जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक में। आज मैं आपको बता रही हूँ कि धनतेरस पे पूजा कैसे करनी है। और मुझसे किसी ने पूछा था कि धनतेरस पे पूजा कैसे करते हैं, जरा आप हमें बताइएगा, तो इसलिए मैंने आपका वीडियो बना रही हूँ। और धनतेरस पे किस तरह से पूजा करनी है वो बताने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रश्न है आपका, कोई परेशानी है, तो आप 8126 476 99 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो धनतेरस का दिन जो है वो माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, भवन यम की पूजा होती है, धनवंतरी की पूजा होती है, जैसा आप जानते हैं। तो इसके लिए ये काफ़ी माना जाता है दिन, बहुत बड़ा दिन माना जाता है। महालक्ष्मी के महायंत्रों की पूजा होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप भी धनतेरस वाले दिन पूजा करना चाहते हैं तो लाल रंग का एक आसन बिछाइए, और लाल रंग के आसन के ठीक सामने आपको एक मुट्ठी भर अनाज रखना है। मुट्ठी भर अनाज कैसे रखना है, गेहूं ले आइएगा, गेहूं, लाल रंग का आसन बिछाइए, मुंह आपका दक्षिण की तरफ रहेगा, लाल रंग का आसन बिछाइए, क्योंकि यम का देवता दक्षिण की तरफ रहते हैं, कुबेर देवता है वो उत्तर की तरफ रहते हैं, यम का देवता दक्षिण की तरफ रहते हैं। तो एक पहले आपको लाल रंग का आसन बिछाना है, अपने सामने अनाज एक दो मुट्ठी रख के रख दीजिएगा, एक मुट्ठी रख दीजिए। अब उसके ऊपर आपको एक दिया स्थापित करना है, उस दिए में लाल रंग की बत्ती लगाएंगे और बत्ती का मुंह दक्षिण की तरफ रहेगा, उसमें आप सरसों का तेल भर देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, जो आपने अनाज की ढेरी बनाई है उस पर आप कोई मिट्टी का, सोने का, चांदी का, कोई पीतल का, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, एक कलश रख दीजिएगा। मैंने कि सबसे आप लाल आसन बिछाइए, मिट्टी का, और सामने अनाज रखिए, अनाज के ऊपर आपको एक कलश रखना है, कलश में थोड़ा पानी डाल दीजिए, पानी के साथ साथ थोड़ा गंगा जल लगा दीजिए। अब कलश में थोड़ा सा सुपारी है, फूल है, सिक्का है, अक्षत है, ये और आम के पांच पत्ते आपको लगा देने हैं। अब पत्तों के ऊपर धान से भरा हुआ एक धातु का बर्तन, यानी कि पहले आपने अनाज की ढेरी लगाई, उसके ऊपर आपने कलश लगाया, कलश में आपने जो सामान मैंने डाला वो डाल दिया पानी के साथ, फिर ऊपर एक और कटोरी लगे, उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा अनाज डाल दें, और उसके बाद धान पर आप हल्दी से एक छोटा सा कमल के फूल की, मतलब हल्दी से एक कमल का फूल बना के उस पर आप माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके कुछ सिक्के लगाकर अब दक्षिण तरफ की तरफ मुंह करके आपको भगवान, मतलब गणेश के, उनके दाहिने हाथ में एक छोटी सी मूर्ति भी रखनी है उनके साथ ही, और आपका जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका जो भी सामान होता है, चाहे आपकी बही खाते हों, चाहे आपकी किताबें हों, चाहे आपकी अकाउंट्स की बुक्स हो, जिससे भी आपका धन अर्जन होता है, वो सारे आप वहीं रख देंगे, और उसके साथ साथ धूप दीप अगरबत्ती के साथ आपको ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए पूजा करनी है, ठीक है। और आप एक आंगन में भी अनाज की ढेरी पे चौमुखा दिया, सरसों का तेल का जला सकते हैं, उसमें कौड़ी डाल सकते हैं, इस वाले दिए में भी आप कौड़ी डाल सकते हैं, और इस तरह से आपको पूजा करनी है। और माँ लक्ष्मी की आपको जो है आरती भी गानी है, आपको आँखों, मतलब हाथ में फूलों को लेके माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, और अगर आप चाहें तो पंचामृत, यानी दूध, दही, शहद, शहद, घी, शक्कर, चीनी, इनसे आप स्नान भी करा सकते हैं देवी को। आपके पास जो भी आपने आभूषण, मूर्ति, जो भी आपने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के या माला मूला जो भी आपने खरीदे वो देवी को अर्पण कर सकते हैं, जो भी आपने बर्तन खरीदे हैं वो भी आप देवी को अर्पित कर सकते हैं धनतेरस पे, मतलब जो भी आप उस दिन खरीद के लाए ना वो सब देवी के चारों तरफ सजा दीजिए, चाहे आप जो भी लाए हों, और उस दिन से लेके दिवाली तक वो वहीं रहेंगे। तो सर खीर बताशे नारियल आलरे जो भी आपको रखना चाहें आप रख सकते हैं, और महालक्ष्मी जी की आरती करेंगे, धनवंतरी की आरती कर सकते हैं, यम की आरती कर सकते हैं, कुबेर की भी आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको धनतेरस पे पूजा करनी है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई समस्या हो तो व्हाट्सअप